गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर गीतू गुप्ता। टुडे आई एम हेयर टू टीच यू अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर 10 वर्ब्स ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर बुक। रिकैपिटुलेशन, यू रिमेंबर व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर। वी हैव लर्नड दैट एक्शन वर्ड्स like play, dance, read, write, etc. are called verbs. Today we will learn about the definition of verb and its types. Definition of verb. Verbs are doing words. They tell us what a person, an animal or a thing does. For example, is, go, do, play, etc. इट मीन्स वर्ब्स वो वाले वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स, जो हमें बताते हैं कि कोई क्या कर रहा है। दिस डेफिनेशन यू हैव टू लर्न। ओके, अ वर्ब इज नॉट ऑलवेज वन वर्ड, इट कैन हैव मोर देन वन वर्ड टू। फॉर एग्जाम्पल, गो और इज गोइंग बोथ आर वर्ब्स। कि वर्ब हमेशा एक ही वर्ड नहीं होता, ये एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये हम आज पढ़ेंगे कि कैसे। Verbs, types of verbs. Here, there are many types of verbs, but we will learn in grade 3 only two types of verbs, main verbs and auxiliary verbs. Auxiliary verbs are also called helping verbs. Understand? Auxiliary verbs are also called helping verbs. We will use the word helping verb. फर्स्ट इज मेन वर्ब्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स में पहला क्या है? मेन वर्ब्स। क्या होते हैं मेन वर्ब्स? मेन वर्ब्स शो एन एक्शन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। मेन वर्ब किसी पर्सन और किस चीज का एक्शन शो करते हैं। इट मीन्स एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। हमने पिछले लेक्चर में जो एक्शन वर्ड्स करे थे, दे आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, Stars twinkle in the sky. Kavya rides a bicycle. यहाँ पे twinkle और rides जो हैं, they are main verbs. They are action words ना? They are main verbs. Now there is an important thing for main verb, that we cannot remove the main verb from the sentence. You are understanding ना? I should eat an apple every morning. It is a full sentence. अगर इसमें से हम eat काट देंगे, I should an apple every morning. No, this is not a sentence. So we cannot cut the main verb from the sentence. Understand? Now the second type is helping verbs. There are 23 helping verbs in English language. These are am, is, are, was, were, being, been, be, has, have, had and so on, does, do. Yahan tak. These are 23 helping verbs. But in grade 3, we will do only 8 helping verbs. Am, is, are, was, were, has, have and had. And in this chapter, in this period, we are doing only 3. Am, is, are. What are the helping verbs? See. मेन वर्ब्स वर्क बाय themselves. जो मेन वर्ब्स होते हैं वो अपने आप ही अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, बट समटाइम्स दे नीड हेल्प ऑफ अदर वर्ब्स। कई बार उनको कुछ और वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एटसेट्रा। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। सो ये उसकी हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। देर इज अ डेफिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। Helping verbs are the verbs that help the main verb in a sentence by extending its meaning. Means helping verb वो verb होते हैं जो main verb की help करते हैं एक sentence में, उस sentence का meaning enhance करने के लिए, meaning उसका बिल्कुल correct बनाने के लिए. Okay? So there are some examples. What are you doing? I am going to the market. Cherry is doing her work. Here are, am and is. These are helping the words doing and going. Okay? So these are helping verbs.
नाउ रूल्स ऑफ इज एम आर, इज एम आर कहाँ लगते हैं, हमें कैसे पता चले हमें हमने कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है और कहाँ पे आर लगाना है। इसके लिए ये सिंपल सा टेबल है, यू विल रिमेम्बर दिस टेबल, ओके, यू हैव टू लर्न दिस टेबल एंड देन कीप दिस इन योर माइंड। आई के साथ ऑलवेज एम लगता है इन प्रेजेंट टेंस, वी आर डूइंग प्रेजेंट टेंस इज एम आर। ही शी इट या फिर किसी का नाम सिंगुलर एक चीज है तो इज लगेगा, वी यू दे प्लूरल है ज्यादा है तो आर लगेगा। सिंगुलर प्लूरल करे थे हमने, सिंगुलर मीन्स वन प्लूरल मीन्स मैनी, तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। अंडरस्टैंड? नाउ यू अंडरस्टैंड वॉट आर द हेल्पिंग वर्ब्स। अ हेल्पिंग वर्ब वर्क्स टूगेदर विद द मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ काम करता है हेल्पिंग वर्ब। नाउ देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स, शी इज लीविंग, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पे इज और हैव हेल्पिंग वर्ब्स हैं और लीविंग और फिनिश्ड मेन वर्ब है। नाउ स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंड, ओके, देयर इज अ वर्कशीट फॉर यू। In this worksheet, you have to fill in the blanks with is, am or are. You will read the sentences and fill by is, am or are. Do this worksheet by yourself. Okay? Take care, students. Thank you. Bye.